लड़की तो यहाँ चाहे तो राम मिले और लड़का यहाँ चाहे तो सीता मिले और लड़के ही लड़का सीता है ना, दोनों कुकरम करके आ रहे मैदान में। एक भी खड़ा करके पूरी सभा में ये कह दे मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि दहेज नहीं लूंगा तो शायद निचला तबका जो सुधर सकता है। शादी के बाद जो डिमांड की जाती है वो दहेज कहला जाता है, वो गलत है। जब तक दोनों बच्चों के विचार एक जैसे ना मिले तब तक शादी कैसे चल पाए। पहले ना शादी में लगता था, अब हर फंक्शन में एक खर्च। क्या सही है गलत? गलत है। ये गृहस्थ के दो पहिए हैं, दोनों ठीक चलेंगे तभी गाड़ी ठीक चलेगी। लड़का और लड़की पहले मिले, शादी से पहले वो दो या चार या पांच मीटिंग उनकी रहे तो एक दूसरे के विचार को समझ सके, सोच सके। मैंने शादियां वहां भी टूटते देखी है जहां एक रुपए में शादी हुई है, मैंने शादियां वहां भी टूटते हुए देखे जहां भर भर के दहेज दिया है। बहुत सारे कारण है, उसमें संयुक्त परिवार भी आता है। अपने से बड़े परिवार में अपनी बेटी को देना चाहते हो लेकिन आप ये नहीं देखते कि बच्चों का मेल है या नहीं। तो मेन कारण क्या समझते हैं कि दहेज जो पीछे बेटियों को छोड़ा जाता है या मारने वाली बात होती है तो वो पीछे दहेज मेन कारण है या कुछ और भी कारण? मेन कारण संस्कार और दहेज है। हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे और जिस जगह हम रह रहे हैं यह वेस्टर्न कल्चर हम अपना रहे हैं और अपनी देसी जो संस्कृति है उससे हम दूर होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों संस्कार नहीं दे पा रहे, क्या कमियाँ रही हैं? हम अपने उसमें भौगोलिक में खो चुके हैं, अपनी कमाई धंधे में आगे बढ़ चुके हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हम। लड़की तो यहाँ चाहे तो राम मिले और लड़का यहाँ चाहे तो सीता मिले और लड़के ही लड़का सीता है ना, दोनों कुकरम करके आ रहे मैदान में। तो तालमेल नहीं बन पा रहा, तालमेल नहीं बन पा रहा, वो मेन दिक्कत है, वही दिक्कत। क्या आप जो युवा है, बच्चे हैं, आप बुजुर्ग हैं तो समाज के बच्चों को क्या कहना चाहिए? समाज के बच्चों को यू कहना चाहे बच्चा के ऊपर निर्भर छोड़ो, आगे रास्ता चलाओ तो बिगड़ लड़का लड़की बूझे संबंध मत करो। एक तो बहुत बड़ी बात है, बिगर लड़का लड़की बूझे संबंध मत करो। संस्कार विहीन समाज हो चुका है, बच्चे अपने पिता से पूछते नहीं है अब मुझे तो डीजे करना है। ये कुरूति खत्म करनी होगी जब हम आगे पनप सकते हैं। संस्कार हम लाएं समाज में, अपने घर लाएं, उसका कारण है कि हम वेदों की तरफ चलें। लड़के वाले ने सूरजपुर का भोपाल सिंह प्रधान, उसने दहेज नहीं लिया, मना कर दी थी कि मेरे दो लड़के MBBS है, लड़की भी आ जाएंगी, हॉस्पिटल बना लूंगा, पैसे वाला अच्छी बात है, लेकिन उन लड़की ने माना नहीं और वो शादी टूट गई। तो कारण दोनों तरफ होता है। हम लड़कियों को शिक्षा दे रहे हैं, लड़कियों को शिक्षा देने का मतलब नहीं कि संस्कार को भूल जाएं। लड़की इनको इतनी उम्र में MSc करने के बाद में अगर रोटी नहीं पोंगी, रोटी नहीं आएंगी तो कौन करेगा? पिता है अपनी बेटी के लिए, भाई बेटे के लिए तो पूरी संपत्ति है उसके लिए, लेकिन बेटी के लिए अगर वो कुछ खर्च कर रहा है तो क्या उसको भी दहेज में माना जाएगा, क्या देखते हो? देखिए मैं तो मेरा अपनी पर्सनल राय कहूँगा कि दहेज वगैरह कुछ नहीं है, ये सब ड्रामे बना रखे हैं। लड़की का पिता पहली बात तो ऐसे घर में शादी करेगा ही नहीं जहाँ दहेज की डिमांड होगी। वो अपनी स्वेच्छा से दान दहेज, जो बात दहेज की कही जा रही है, सिर्फ दान देता है, बड़ा चढ़ा करके अपनी हैसियत के हिसाब से देता है। ये अब से नहीं चला जा रहा है, ये भगवान राम के समय से भी चला जा रहा है, जब शादी वहाँ पर भी हुई थी, महाभारत काल में भी हुई, जब समय था तो सभी दान देते थे, उपहार देते थे, ये चला आ रहा है। जिसको आज दहेज का नाम दे दिया गया, दहेज की परिभाषा डेफिनेशन यही है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज वो तो लेन देन दहेज नहीं कहलाया जाता, दहेज के बाद शादी के बाद जो डिमांड की जाती है वो दहेज कहलाया जाता है, वो गलत है। बेमेल विवाह ना रुकेंगे। बेमेल से मतलब लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा, लड़की कम पढ़ी लिखी है, लड़का कम पढ़ा लिखा, लड़की ज़्यादा लिखी है, तो हम लोग क्या करते हैं दहेज से उसको बराबर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं नहीं। जब तक दोनों बच्चों के विचार एक जैसे ना मिले तब तक शादी कैसे चल पाएगी। कि कोई रिश्ता जब टूटता है तो उसमें लड़का पक्ष है, एक लड़की पक्ष है, तो किसकी कितने % गलती रहती है? आप किसको मानते हो कि ज़्यादा गलती किसकी रहती है? इसमें जो है ना लड़का पक्ष पे ज़्यादातर दोष देते हैं, लेकिन लड़की में भी वो संस्कार नहीं है जो वे ये समझें कि हमारा पहले पति को परमेश्वर माना जाता था, अब पति है परमेश्वरी ना मान के वो जो है उसमें विचार दूसरे रखती हैं और उनमें जो है उसमें शिक्षा की कमी है। शादी की दौर को अगर कहा जाए तो रेल की वो दो पहिए हैं, दोनों को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, एक भी डगमगाएगा तो पटरी पे से उतरना ही उतरना। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये गृहस्थ के दो पहिए हैं, दोनों ठीक चलेंगे
तभी गाड़ी ठीक चलेगी। जो हमारे समाज में एक कुप्रथा चली आ रही है कि हम अपनी बेटी को जब दिखाते हैं या बेटी के लिए लड़का देखने जाते हैं तो हम एक विचार लेकर चलते हैं कि हम अपनी बेटी को बेटे से ना मिलाएं, लड़के से ना मिलाएं। मुझे लगता है कि अगर लड़का और लड़की पहले मिले, शादी से पहले वो 2 या 4 या 5 मीटिंग उनकी रहे तो एक दूसरे के विचार को समझ सके, सोच सके कि भाई उन दोनों के विचार जिसके क्या साथ जीवन बिताने जा रहे हैं तो एक दूसरे को समझ सके, तो वो कारण कहीं ना कहीं वो समझ जाएंगे, एक दूसरे का स्वभाव समझ जाएंगे, एक दूसरे का व्यवहार समझ जाएंगे तो शादियाँ फिर अच्छी चले। संस्कार नहीं दे रहे लेकिन कारण क्या है कि क्यों नहीं संस्कार मिले? कारण मैं भाई ये बताऊँ आपको, कारण ये तो संयुक्त परिवार नहीं रहे, संयुक्त परिवार मतलब कि जो जॉइंट फैमिली होती थी वो नहीं रही और बच्चे जो माता पिता वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। क्या कारण मानते हैं कि एक दहेज ही मेन कारण है जिसके वजह से छोड़ी जाती है बेटियां, या क्या मेन कारण? नहीं नहीं देखिए, दहेज एक मेन कारण नहीं है। दहेज तो देखिए ये है कि बेटियों को देना चाहिए, क्यों देना चाहिए? बेटियों को दहेज ना देके बेटियों को कोई फ्लैट है प्रॉपर्टी दे ताकि उनका कुछ भी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती है तो वो एक सेफ्टी होती है बच्ची के लिए। ससुराल वालों को देने के बाद ना तो ससुराल वालों के पास से वापस लड़की के पास आता है, ना ही वो परिवार के पास वापस आता है। वेस्ट ऑफ मनी। अगर आप कोई चीज़ दे रहे हो अपने बच्चों को तो या तो अकाउंट्स में दो या प्रॉपर्टी दो, तो वो सेफली भी है। कल को उसके फ्यूचर में कुछ होता है तो वो लड़की के लिए एटलीस्ट उसके पास उसकी प्रॉपर्टी है, कुछ है उसके पेरेंट्स का। आप क्या कहेंगे निशावाना जी, जो ये पूरा प्रोग्राम है क्या एक दहेज ही मेन मुद्दा है या और भी कुछ कारण है? देखिए दहेज मैं सुन तो रही हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं तो दहेज के खिलाफ हूँ ही नहीं। क्यों नहीं हूँ? जो हम देते हैं वो दान होता है, जो लालची मांगते हैं वो दहेज होता है, तो दहेज का तो मैटर ही नहीं है। मैंने शादियाँ वहाँ भी टूटते देखी है जहाँ 1 रुपये में शादी हुई है, मैंने शादियाँ वहाँ भी टूटते हुए देखी है जहाँ भर भर के दहेज दिया है। बहुत सारे कारण हैं, उसमें संयुक्त परिवार भी आता है। अभी शायद कुछ लोग मुझे नेगेटिव वे में ले जाएं, शायद ये सोचे कि संयुक्त परिवार को तोड़ना चाहती है। मैं तोड़ना नहीं चाहती। बहुत सी जगह मैंने ऐसे भी देखा है कि संयुक्त परिवार के नाम पे जब परिवार को बांध के रखा जाता है 4 बेटों को, तो वहाँ भी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना? तो बहुत सारे कारण हैं। नहीं, दहेज एक मेन कारण नहीं है। मेन कारण है मानसिकता, जो हमारे समाज में अभी भी काफ़ी पीछे है। मैं ये मतलब कह रही हूँ लेकिन ये चीज़ सच्चाई है। हमारे समाज में अभी भी लोगों की तुलना की जाती है कि जितने अच्छे परिवार में तुम करोगे उतना तुम्हारा नाम होगा। लोग अभी भी इस चीज़ के पीछे भागते हैं कि तुम अपने से बड़े परिवार में अपनी बेटी को देना चाहते हो, लेकिन आप ये नहीं देखते कि बच्चों का मेल है या नहीं है। और कई बार घर में सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं कि दहेज इस चीज़ का लेना देना नहीं होता, घर के कामों के ऊपर हो, चाहे वो आपसी संबंधों में हो, चाहे वो फिजिकल रिलेशन में हो। बहुत सारी ऐसी वजह होती हैं जो समाज खुल के बात करता नहीं है, लेकिन जब बात आती है, बिल्कुल जब शादी टूटने पे बात आती है तब ये चीज़ें खुलती हैं। एक बाप होता है, उसकी बेटी के लिए भी इच्छा होती है कि भाई मैं इसको कुछ दूँ, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी तो बेटे के पास जानी है, तो बेटी के लिए भी वो कुछ गिफ्ट के तौर पर देना चाहता है। तो क्या सही तरीका है कि शादी पर दे या कुछ और तरीका है? जी, बेटी का जो देना लेना होता है मायके से वो ज़िंदगी भर का होता है। ये तीज त्यौहार, दिवाली, होली जो है वो बेटी के लिए ही जाता है, बेटे के लिए नहीं होता। तो बेटी के देने के लिए बहुत सारे ओकेजन्स आते हैं, ज़रूरी नहीं शादी में ही। बस शादी को एक ग्रैंड मकसद बना दिया है कि क्योंकि समाज शादी में ही देखता है, होली दिवाली पर कोई नहीं देखता कि क्या दिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है। बस दहेज एक मुद्दा बना दिया है कि शादी में इतना दिया जा रहा है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि बेटी को एक खुशी से, बेटी को सिर्फ शादी में ही दिया जाता है, जो दिखाया जाता है कि हम अपनी बेटी को दे रहे हैं।